मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है, मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन नेफ्रोलॉजी हूँ। तो हमने जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है अपनी बुक के मुताबिक, उसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। तो इस पर मैंने पहले भी बनाई है, उसकी मैंने एग्जांपल दी है कि जब सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होती है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डिक सर्जन के पास नहीं जाते। इसी तरह से जब गुर्दों का मसला होता है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहले जाना है। पेशाब में प्रोटीन आए, पेशाब में खून आए, क्रिएटिनिन बढ़ जाए, GFR कम हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, टांगों में एडीमा हो, स्वेलिंग हो, आपकी किडनी सडनली ख़राब हो जाए, ये सारे वो मसाइल हैं जिनका इनिशियल हल नेफ्रोलॉजिस्ट के पास होता है। अगर इनिशियल चीज़ों के रिजल्ट में ये पता चले कि आपके गुर्दे खुदा ना खास्ता उनमें कोई ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, या ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत है, तो फिर आप नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें मैंने लिखा है कि मंदरजा ज़ैल बीमारियों के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाना मौजू नहीं। CKD या एंड स्टेज किडनी डिजीज़, पूरी दुनिया में नेफ्रोलॉजिस्ट इलाज करते हैं। यूरोलॉजिस्ट का डायलिसिस से कोई तलक नहीं है, क्रॉनिक किडनी डिजीज से कोई तलक नहीं है, एंड स्टेज किडनी डिजीज से कोई तलक नहीं है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज़ कर भी सकता है, किडनी डिजीज़ के रिजल्ट में भी हो सकता है, इसमें कोई तलक नहीं है यूरोलॉजिस्ट का। पेशाब का इन्फेक्शन, गुर्दे की पत्थरी, गुर्दे की पत्थरी का मेडिसिन से इलाज हो जाता है, तो पहले नेफ्रोलॉजिस्ट मेडिसिन से इलाज करता है, अगर बड़ी स्टोन हो तो फिर वो यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकता है। डायलिसिस के लिए हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट की इनिशियल इवेल्यूएशन नेफ्रोलॉजिस्ट करता है, देखता है कि आप मौजू अप्रोप्रिएट पेशेंट हैं कि नहीं। पेशाब में प्रोटीन आए, पेशाब में खून आए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो, बहुत सारी अलामा जो मैंने अपनी वीडियो में बताई हैं जो कि गुर्दों की बीमारी की हो सकती हैं, जैसे ख़ारिश का होना, भूख का ना लगना, मुंह से स्मेल आना, उल्टियाँ आना, ये सारी सिम्टम्स यूजुअली किडनी डिजीज़ से रिलेटेड होती हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो नेफ्रोलॉजिस्ट करता है, यूरोलॉजिस्ट नहीं करता। यूरोलॉजिस्ट सर्जन है, वो ऑपरेशन करता है, वो दवाइयों से उस तरह से इलाज नहीं करता, ना ही वो किडनी डिजीज़, चाहे वो एक्यूट किडनी इंजरी हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, उसके इलाज में हेल्प करता है। कई दफ़ा लोग जाते हैं, उनको पथरी बनती है, यूरोलॉजिस्ट को प्रोसीजर करता है, फिर बनती है, फिर वो प्रोसीजर करता है, फिर बनती है, तो उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए ताकि वो ये देखे कि बन क्यों रही है बार बार। असल मसला तो ये है कि वाई द स्टोन इज़ फॉर्मिंग अगेन एंड अगेन, उसकी अंडरलाइन कॉज क्या है। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे डायग्नोज किए हैं कि उनका पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से पथरी बन रही थी, पथरी बनती है। कुछ के यूरिन में कोई ऐसा इशू आता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट निकल रहा है, या सिट्रेट कम निकल रहा है, या कोई ना कोई हमें रीज़न मिल जाती है, तो वी कुड प्रिवेंट द स्टोन फॉर्मेशन रादर देन कि हर दफ़ा आप लाखों रुपए लगा के उसका ऑपरेशन करवा रहे हों। तो फिजिशियन का रोल ज़्यादा प्रिवेंशन में है, मेडिसिन से ट्रीटमेंट में है, और गुर्दे की जितनी बीमारियाँ मैंने बताई हैं इनमें यूरोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं है। थैंक यू।